तो भाई वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह टीओ हुआ है आपका करेक्ट 8:20 में। और अभी फटाफट ऑन ड्यूटी करना है, नाश्ता पानी ले लिए हैं। और आज का ड्यूटी मिला है DMT का। DMT मतलब डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन। तो डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन का मेन फंडा है कि ईंटा गालू नहीं यार बालू, जो भी है गिट्टी, जो भी रेल का सामान है उसको उसका डेस्टिनेशन में पहुंचाना है। तो MCL लाइन में काम चल रहा है, सेकेंड लाइन का वहीं पर पहुंचाना है। अब किसके बीच स्टेशन का कहां कहां पर काम चल रहा है ये मेरे को नहीं पता है, बट आज जाएगा। तो भाई फटाफट ऑन ड्यूटी करते हैं और उड़नची हो लेते हैं। many unbelievable hours later, मेरी प्यारी बीवी रात रात भर जगी रहती है मेरे लिए, पूरा नींद में सो गई थी ना, खतरनाक वाला। तो भाई आज अपनी तो वाट लग गई अच्छे से। डिपार्टमेंटल ट्रेन था, मटेरियल ट्रेन जिसको बोलते हैं, वो दिया था और अच्छा से लिया। तो भाई जस्ट अभी 12:30 बज रहा है, अभी खाना पीना जस्ट हुआ है। तो ड्यूटी कुछ इस तरह रहा कि कभी कभी बोलता है ना कि आप इरिटेशन हो जाता है नौकरी से, उस तरह से। तो हमारा 14 घंटा में हम लोग कॉल किए डिवीजन में कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा इतना देरी हो गई, प्लीज मेरा गाड़ी को ले लीजिए। जबकि काम आपका 6 बजे ही ख़त्म हो चुका है और एक जगह पे हम लोग को 4 घंटा तक खड़ा करके रखा हो। वाइफ को हम फ़ोन करके बोले हैं कि काम कीजिए, खाना वाना बनाइए, 10 से 11 बजे तक मैक्सिमम आ जाएंगे। वो बेचारी खाना वाना बना के बैठी रही है। 10 बजे फिर हम उनको कॉल किए कि एक काम कीजिए, खाना खा लीजिए, मेरा 12:00 बज जाए। हमारे असिस्टेंट साहब जो थे RR केसरी नाम, थोड़ा सा एग्रेसिव क्योंकि अभी नए नए आए हैं, तो थोड़ा एग्रेशन है, एग्रेशन होना भी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 14 घंटा हो गया था ड्यूटी करते करते, किसी को भी इरिटेशन लगेगा। फिर वो नीचे से लेकर ऊपर तक कॉल करने लगे। सबसे पहले यहाँ का स्टेशन मास्टर को कॉल किए, उसके बाद फिर डिवीजन में कॉल किए, उसके बाद फिर ADEE जो ऑफिसर किए। हम बोले रुको मेरे को बात करने दो, फिर हम कॉल किए। हम बोले कि अगर आप अभी मेरा गाड़ी को क्लियर लाइन क्लियर नहीं देते हैं तो एक काम कीजिए, मैं यहीं पर सेट डाउन कर दे रहा हूँ गाड़ी को, और फिर आप समझिएगा जो होगा देखा जाएगा, जो पनिशमेंट मिलेगा हम रेडी है। तो तब जाके फिर बार बार एक बार हम कॉल कर रहे, एक बार असिस्टेंट कॉल कर रहे हैं, उन्होंने इरीटेट हो गई डिवीजन में जो बैठते हैं टेन से में। तो फिर सिग्नल दिया तो फिर लाए फटाफट। जैसे ही पहुँचे स्टेशन मास्टर बोले आप थे, अगर आप रहते ना तो आपको और 1 घंटा लगते। वो मेरा असिस्टेंट क्योंकि उससे बात किया था, असिस्टेंट ने पूरे इरिटेशन में बात किया कि अरे आप लोग मेरे को क्यों, हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या यहाँ पागल है, यहाँ इतना परेशान है, इतना देरी आदमी काम करता 14 घंटे 15 घंटे, अपने तो 8 घंटे करके चल जाते। हमारे स्टेशन मास्टर को बोलिए कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेशन मास्टर को बोल के क्या फ़ायदा है, स्टेशन मास्टर वो अपना जॉब कर रहा है, वो अपना कॉल घुमाएगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर जिस तरह से ऑर्डर देगा उसको, लेकिन क्या करेगा, रिटेशन में जो सामने आया वो लपटा गया। तो फाइनली अभी ऑफ होता मेरा 4:45 में, मतलब हम खाना भी नहीं खाए थे, फिर तुरंत आए 1:05 में ऑफ करके आ गया। फिर 1/2 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर आते आते 1:30 बज जाएगा। बैक पेन हो रहा है क्योंकि बाबा रामदेव वाला सीट था, 1WG7 पावर है उसमें, सारा ऐसा सीट दिया हुआ है मतलब पूरा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ इस तरह से, ऐसे ऐसे। बचपन में लोग ड्राइंग नहीं बनाते थे, बोलते थे बेटा सीट बन चेयर बनाओ तो ऐसे और ऐसे करते थे, बस वही कटेंगे। और वैसे में 90 डिग्री में बैठना पड़ता है और आप जैसे बैठिए बैठिए, हालत पूरा मार के रख दिए। तो वहाँ DMT में क्या हुआ, DMT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन। तो इसको
तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग के लिए खाना उना के लिए लेके आया था शाम में ही खाना उना, मास्टर चावल सब्जी दाल अंडा भुंजिया ऐसा बंद बंद दिया हुआ था। एक एक करके हम खाने लगे, उन्हें टाइम ख़त्म हो रहा जैसा जैसा करके, पहले अंडा भुंजिया निकाले फिर अंडा निकाले, एक एक अंडा दिया हुआ था भुर्जी भी बना के दिया था, फिर चावल को छोड़ दिया। मतलब मतलब बीवी को बोल के रखा हुआ, मतलब बीवी ने तो मारेगी मेरे को, खाना खाना बनाने बोलते हैं रात नहीं खाना करने के लिए। फिर चावल हम रख दिए एक जगह स्टेशन में कि कोई खा लेगा। तो भाई कुल मिला के बात यही है कि आज का ड्यूटी बहुत खतरनाक था, और ड्यूटी के दौरान कभी कभी ऐसा फील आता है कि क्या कर रहे यार लाइफ के साथ इतना, मतलब मेरा लाइफ को कोई ओवर होल्ड करके रखा हुआ, कभी कभी मतलब इस टाइप का फील कि अब अपना मर्जी से सही समय में सो नहीं सकते, अपना मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, डिसगस्टिंग। ये चीज़ कभी कभी अंदर अंदर खाता है भाई। चल भाई सोते हैं, सुबह मिलते हैं।